बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम पका रहे हैं लोबिया कीमा या अरवा कीमा। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में भी हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा जी। आप देखते हैं इसके अज्जा, इसमें कौन कौन से अज्जा डलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जी अरवा कीमा पकाने के लिए हमने सबसे पहले कीमा लिया जी। ये मटन का कीमा है, मटन का कीमा मैंने 250 ग्राम लिया, एक पाव है, और 250 ग्राम हमने अरवा जिसे लोबिया भी कहते हैं, ये देखें, इसे लेकर जैसे चने भिगोते हैं उस तरह इसे भिगो दिया घंटा डेढ़ घंटा पहले। उसके बाद अदरक और लहसुन लिया, इसकी मैं पेस्ट यूज करूंगा अदरक और लहसुन की। इसके अलावा एक अदर टमाटर लिया, तीन प्याज लिए हैं जी। उसके बाद गरम मसाला ये थोड़ा सा डालेंगे एंड पर। 1/4 हल्दी ली है हमने जी, 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी हमने ली है। एक चम्मच हमने लिया जी सुर्ख मिर्च का, और आधा चम्मच हमने नमक का लिया। ये दोनों चीज़ें आप हसबे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह पकेगा। मैंने सारी चीज़ें, प्याज है आधा कप, मैंने ऑयल का लिया जी वो डाला, उसके अंदर प्याज, टमाटर, कीमा, नमक, मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलाकर मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। और साथ में मैंने एक गिलास पानी का डाला था ये कीमा गालने के लिए। ये देखें मिर्चें वगैरह सारा इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है। वो एक्चुअली जो वीडियो है वो थोड़ी सी मिस हो गई है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, कीमा और नमक, मिर्च और उसके अलावा पानी का एक गिलास डालकर ये रख दिया। और ये 5 मिनट बाद इस पोजीशन में आ गया। अब जब तक पानी ये खुशक होता है तब तक हम इसे पकने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा मैं। और ये पानी इसमें थोड़ा सा कम हो गया जी, हम इसे मजीद भुनेंगे। इसने घी अपना छोड़ दिया, अब इसके अंदर मैं लोबिया डालने लगा। ये लोबिया पड़ा हुआ है, अब जी मैं भून रहा हूँ इसे 5 मिनट और मज़ीद भूनने के बाद, 3 से 4 मिनट मज़ीद भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी डालकर इसे रख दें। अब इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं जी भूनते हुए, इसने ऑलमोस्ट अपना घी भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी के ऐड करूंगा, ये एक गिलास, अब ये मैं दूसरा गिलास ऐड करने लगा। 2 गिलास पानी के डालकर अब इसे मैं ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख दूंगा। अब ये 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसे जी रखे हुए, 10 मिनट हो गए हैं। तो ये अभी दाना इसका चेक किया, वो कच्चा थोड़ा सा, अभी इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए रख। ये देखें जी अब ये हमारा शो बिल्कुल रेडी हो गया। इसका अब हम चेक करेंगे भी गला है कि नहीं गला जी, बिल्कुल गल गया। अब ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी है,
अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर हल्का हल्की लास रखी है, शोरबा जिसे कहते हैं या ग्रेवी जिसे कहते हैं, वो मैंने रखी है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसे खुशक भी कीमा और अरवा खुशक भी कर सकते हैं, यानी कि इसी पानी को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो वो खुश्क हो जाएगा, लेकिन मैं मुझे हल्की हल्की लास अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसे इसी तरह ही उतारूँगा। अब ये देखें जी, लोबिया कीमा हमारा तैयार है। इसके ऊपर मैंने एंड पर आपको कहा था एक चुटकी में आप गर्म मसाला डालूंगा, गर्म मसाला आपने ज़्यादा नहीं डालना, ये जलन करता है सीने पे। तो ये देखें जी, ये हमारा मज़ेदार लोबिया कीमा तैयार हो गया। मैंने हल्की सी लास रखी है, आप चाहें तो रख सकते हैं, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना रखिए। बहुत ज़बरदस्त ये डिश है, बहुत मज़ेदार डिश है, आप अपने घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर में शेयर कीजिए। मिलते हैं जी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।